अब की बार पालकी पर सवार होकर आएंगी। मां दुर्गा माना जा रहा बेहद अशुभ, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप आज ही हटा दें, यानी कि नवरात्रि से पहले आप कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें अपने घर से पहले ही हटा दें, नहीं तो आप पर माता लक्ष्मी की कोई कृपा नहीं होती है। नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। आप सभी को हम बता दें कि इस बार नवरात्रि पर 2 तारीख है बताई जा रही है, यानी कि शारदीय नवरात्रि 2 या 3 अक्टूबर ये किस दिन आरंभ हो रही है, तो आपको हम सटीक और सही जानकारी बता देती है कि इस बार शारदीय नवरात्रि कितनी तारीख से शुरू होने जा रही है। माताएं बहनों, बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को माता रानी के लिए एक लाइक जरूर ही कर चलिए। सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि अब की बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी होगी। 12वीं नवमी को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। मां दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। आइए इस बारे में आपको और विस्तार से बताते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार मां दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। मां दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। मां दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना यह जा रहा है कि मां दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही मां दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है? शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर की महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। नवरात्रि में मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो मां दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो मां दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि मां दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। मां शेरावाली के लिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दे, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें या फिर जय शारदीय नवरात्रि जरूर लिखें। पालकी पर मां दुर्गा की सवारी होने का यह होगा देश दुनिया पर असर। ज्योतिष और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि मां दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। मां दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है, साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकती है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों से हिंसी की खबरें आ सकती हैं। यूं तो मां अंबे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अंबे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अंबे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले
अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां, घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। बंद घड़ी, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। पुराने और टूटे हुए बर्तनों को हटा दें ताकि घर में नई और स्वच्छ चीजें आ सकें। इन बर्तनों को बदलने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सुख की वृद्धि होगी। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। अशुद्ध और गंदे कपड़ों को हटा दें और नए और स्वच्छ कपड़े पहनें। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कपड़े पहनने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कपड़ों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और फटे हुए आसनों को हटा दें और नए आसन लाएं। पुराने आसन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए आसन लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने आसन में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे पर्दों को हटा दें और नए पर्दे लगाएं। गंदे पर्दों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पर्दे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे पर्दों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। टूटे हुए और खराब दरवाजों को ठीक करें या बदल दें। टूटे हुए दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए दरवाजे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। टूटे हुए दरवाजों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हटा दें और नए उपकरण लाएं। पुराने उपकरणों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए उपकरण लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने उपकरणों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे कालीनों को हटा दें और नए कालीन लगाएं। गंदे कालीन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कालीन लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कालीन में जमा है पुराने और टूटे हुए फूलदान। पुराने फूलदान में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए फूलदान लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने फूलदान में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। फूलदान को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे पुस्तकालय से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पुस्तकालय लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने पुस्तकालय में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। पुस्तकालय को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी।
पुराने और टूटे हुए शीशे पुराने शीशों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए शीशे लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने शीशों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। शीशे को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे और धूल भरे कारपेट। गंदे कारपेट से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कारपेट लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने कारपेट में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। कारपेट को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार। पुराने तारों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए तार लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने तारों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। तार को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। इन चीजों को हटाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़ीढ़े पहने। नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी मां की पूजा करते हैं तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। पहले दिन साल 2024 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्म शांति और बेहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा। तीसरे दिन नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। चौथे दिन गहरा नीला रंग नवरात्रि के चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पांचवें दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। छठवें दिन नवरात्रि के छठवें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह सभी चीजों के फलदायी शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। सातवें दिन इस दिन स्लेटी रंग पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं। आठवें दिन नव दुर्गा पूजा के दौरान आठवें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी मां का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। नौवें दिन नवरात्रि के नौवें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। मां दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनके कष्ट दूर करती हैं। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और मां दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है जिसके अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए
लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। पुराने और टूटे हुए बर्तनों को हटा दें ताकि घर में नई और स्वच्छ चीजें आ सकें। इन बर्तनों को बदलने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सुख की वृद्धि होगी। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। अशुद्ध और गंदे कपड़ों को हटा दें और नए और स्वच्छ कपड़े पहने। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कपड़े पहनने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कपड़ों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और फटे हुए आसनों को हटा दें और नए आसन लाएं। पुराने आसन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए आसन लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने आसन में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे पर्दों को हटा दें और नए पर्दे लगाएं। गंदे पर्दों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पर्दे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे पर्दों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। टूटे हुए और खराब दरवाजों को ठीक करें या बदल दें। टूटे हुए दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए दरवाजे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। टूटे हुए दरवाजों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हटा दें और नए उपकरण लाएं। पुराने उपकरणों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए उपकरण लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने उपकरणों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे कालीनों को हटा दें और नए कालीन लगाएं। गंदे कालीन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कालीन लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कालीन में जमा है पुराने फूलदान में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए फूलदान लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने फूलदान में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। फूलदान को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे पुस्तकालय से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पुस्तकालय लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने पुस्तकालय में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। पुस्तकालय को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और टूटे हुए शीशों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए शीशे लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने शीशों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। शीशे को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे कारपेट से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कारपेट लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा।
पुराने कारपेट में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। कारपेट को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार, पुराने तारों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए तार लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने तारों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। तार को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। इन चीजों को हटाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़ीढ़े पहने, नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक